हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। मोस्ट पेटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 49 रहेगा और आज का लेक्चर हमारा जो सेल साइकिल का हम यहाँ पे टॉपिक कवर करके चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज का हमारा यहाँ पे थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले जो हमारे यहाँ पे लेक्चर हुआ है उसके अंदर हमने जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस जो प्रोसेस होती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल जो हमारे यहाँ पे चलता है सेल साइकिल के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन जो होती है ठीक है, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे यहाँ पे दो फेजेस के अंदर हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं सेल डिवीजन को। एक हमारे यहाँ पे होता है इंटरफेज और सेकेंड हमारे यहाँ पे होता है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज के लिए हमने यहाँ पे तीन अलग अलग फेजेस आपको पहले बताए हुए हैं, G1, S एंड G2। ठीक है, और जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन या फिर जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल जो चलता है ठीक है, जो हमारे यहाँ पे एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर जो हमारे यहाँ पे रिपीटेड प्रोसेस में जो सेल डिवीजन यहाँ पे चलता रहता है इसको यहाँ पे प्रॉपर चलाने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ हमारे यहाँ पे CDKs होंगे। ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं काइनेज होंगे यहाँ पे, और ये काइनेज क्या करेंगे कि डिफरेंट प्रोटीन को यहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल के लिए ठीक है फॉस्फोरिलेशन के थ्रू, और इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होते हैं कुछ हमारे यहाँ पे साइक्लिंस होंगे। ठीक है, जो कि क्या करेंगे सीडी की एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। उसके अलावा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको चेक पॉइंट्स वगैरह के लिए भी बताया था, कुछ हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट्स होंगे और इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो तीन चेक पॉइंट हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो G1 to S जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होती है, देन उसके बाद जो हमारे यहाँ पे G2 M फेज जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, और लास्ट हमारे यहाँ पे जो मेटाफेज हमारे यहाँ पे जो एम फेज यहाँ पे हमारा होगा, एम फेज के अंदर हमारे यहाँ पे चार अलग अलग और हमारे यहाँ पे फेजेस होते हैं। उसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे होगा प्रो फेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे मेटा फेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एना फेज, और लास्ट हमारे यहाँ पे होता है टिलो फेज। ठीक है, इन सब के होने के बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है साइटोकाइनेसिस, जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होगा उसकी भी हमारे यहाँ पे दो इक्वल सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे मेटाफेज टू एनाफेज जो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलता है, एक इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट प्रेजेंट होगा मेटाफेज टू एनाफेज। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होते हैं और इनके लिए हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया हुआ है, और जो हम आज का लेक्चर जो यहाँ पे स्टडी करेंगे उसके अंदर हम पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे एस फेज जो होगा ठीक है इसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि अब हम जो आप नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम पर्टिकुलर फेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें जीवन फेज के लिए, तो जीवन फेज हमारे यहाँ पे क्या करता है कि जो भी हमारे यहाँ पे एस फेज के लिए जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स के में या फिर एंजाइम्स वगैरह की जो भी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है वो सब हम यहाँ पे जीवन प्रिपेयर करके दे देता है। मोस्टली जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे वो हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर होके हुए मिलते हैं, और एस फेज का जो यहाँ पे काम होगा ना एस फेज सिर्फ क्या करेगा यहाँ पे हमारी रेप्लीकेशन करवा देगा। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे जीवन फेज होगा वो क्या करेगा जो भी हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ कोफैक्टर जो भी हमारे यहाँ पे प्रोटीन एंजाइम होंगे उनकी यहाँ पे ऑलरेडी सिंथेसिस करके वो दे देगा। ठीक है, अब एस फेज को हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि एस फेज के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होना है रेप्लीकेशन होनी है, और रेप्लीकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेप्लीकेशन हमारे यहाँ पे सेंट्रल डोगमा जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती है उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे जो प्रोसेस होगी ना वो हमारी कौन सी होती है रेप्लीकेशन। और रेप्लीकेशन क्या होगा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे जो तीन हमारे यहाँ पे मेजरली जो प्रोसेस होती है रेप्लीकेशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन हो गया और जो ट्रांसलेशन हो गया उसके अंदर अगर हम यहाँ पे बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे प्रोसेस है वो हमारी कौन सी रहेगी रेप्लीकेशन होगी। अब ये क्यों रहेगी, देखो एक हमारे पास यहाँ पे एक सेल है ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन जो होना है उसके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा दो सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जब हमारे यहाँ पे ये जो सेल है वो हमारा दो डॉटर सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे कोई म्यूटेशन अगर यहाँ पे हो जाए ठीक है, तो ये म्यूटेशन क्या होगी, ये म्यूटेशन हमारे जैसे आगे आगे ये हमारे यहाँ पे डिवीजन करता रहेगा हर एक सेल के अंदर वो हमारी म्यूटेशन आगे भी प्रोसीड करती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो यहाँ पे सेल डिवीजन जो यहाँ पे हो रही है, और सेल डिवीजन के अंदर भी अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर बात करें रेप्लीकेशन के लिए, तो जो रेप्लीकेशन यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो हमारे यहाँ पे कैसी होनी चाहिए एरर फ्री यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारे 46 क्रोमोसोम से ठीक है, तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन हुई ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स वैसे तो क्या होना चाहिए था 46 हमारे यहाँ पे पहुंचने चाहिए थे, 46 हमारे यहाँ पे पहुंचने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ म्यूटेशन की वजह से या फिर जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है ये सब प्रोसेस हमारी कहाँ पे होगी जो हमारे सेल डिवीजन है उसी के अंदर होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि
जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हुए, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है उनके अंदर हमारा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे एबरिएशन या फिर न्यूमेरिकल चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला, न्यूमेरिकल म्यूटेशन में यहाँ पे देखने को मिला, जिससे कि क्या हुआ एक क्रोमोसोम के अंदर हमारे यहाँ पे पहुंच गए 45 और सेकंड के अंदर हमारे यहाँ पे पहुंच गए 47। अब ये जो हमारे यहाँ पे सेल होगा आगे जब भी ये डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा आगे ये 45 क्रोमोसोम ही आगे प्रोसीड कर पाएगा और ये क्या करवाएगा आगे 47 ही करवाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा कि जो यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे ये एरर हो गया, इस एरर को क्या करना पड़ेगा डिटेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। और डिटेक्ट करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहली तो कंडीशन यही है कि ये हमारे यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम ना ही आए, और अगर यहाँ पे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम अगर आ भी जाती है तो उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डिटेक्ट करना पड़ेगा और उन सेल को मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फर्दर डिवीजन उनकी वहाँ पे स्टॉप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन हमारे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन अगर ठीक से ना होगी, ठीक है, यहाँ पे तो हम बात करें न्यूमेरिकल एबरेशन की, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कोई डीएनए सीक्वेंस है अगर उसके अंदर भी अगर हमारे यहाँ पे कोई चेंज आ जाए, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है ए टी ए टी, ठीक है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन के पास भी क्या पहुंचना चाहिए था ए टी ए टी पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोई यहाँ पे म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ ए टी ए जी यहाँ पे आ गया। अब जितने भी यहाँ पे फर्दर आगे यहाँ पे डिवीजन होगी उन सब के अंदर ये क्या जाएगा ए टी ए जी ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा आगे जाके यहाँ पे म्यूटेशन कोज कर सकता है, हो सकता है कि ये जो हमारे यहाँ पे ए टी ए टी था ये हमारा किसी एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन का फैक्ट कोई पार्ट हो, ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा प्रोटीन अगर वो चेंज हो गया तो उससे क्या होगा यहाँ पे हमें एक ड्रास्टिक चेंज हमें ऑर्गेनिज्म के अंदर वहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रेप्लिकेशन यहाँ पे जो प्रोसेस है, तो रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो यानी कि हमारा जो एस फेज यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि रेप्लिकेशन हमारा मॉलिकुलर बायोलॉजी का हमारा वहाँ पे सब्जेक्ट है और वहाँ पे हमने इसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको रेप्लिकेशन के बारे में अगर कोई डाउट रहता है या फिर पहले से आपका कोई डाउट है अगर रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग या फिर आप फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे रेप्लिकेशन की स्टडी कर रहे हो तो आप हमारे जो मॉलिकुलर बायोलॉजी की जो यहाँ पे हमारी सीरीज थी आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं सेल साइकिल को यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेप्लिकेशन को टारगेट ना करके हम टारगेट किसको करेंगे कंप्लीट एस फेज को। एस फेज के अंदर ही तो हमारा क्या होना है यहाँ पे रेप्लिकेशन होनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी आगे हम उसको स्टडी भी करके चलेंगे। देखो यहाँ पे हमारा क्या है जब हमारे यहाँ पे एक सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है, तो एक सेल डिवीजन के टाइम पे एक ही बार हमारे यहाँ पे क्या होनी चाहिए रेप्लिकेशन हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ पे एक बार सेल डिवीजन अगर होगी तो उस टाइम पे क्या होनी चाहिए एक ही बार हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ठीक है, अगर इससे कम होगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी और अगर इससे ज्यादा होगी तो भी वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो जो एस फेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर होंगे प्रोटीन्स होंगे जो भी हमारे यहाँ पे काइनेज वगैरह या फिर सीडीकेज वगैरह जो होंगे तो वो सब हमारे यहाँ पे क्या करेंगे इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करके चलेंगे कि रेप्लिकेशन हमारी सिर्फ एक ही बार यहाँ पे हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे सिर्फ एस फेज को यहाँ पे टारगेट करके चलेंगे और एस फेज के रिगार्डिंग जो भी हमारे यहाँ पे क्यूरीज रहेगी या फिर जो भी हमारे यहाँ पे डाउट्स अभी तक होते हैं या फिर एस फेज के अंदर हमारे क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, वो सब हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एस फेज के लिए ही, तो उससे पहले एक हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है अटैक्सिया टेंजेंटैक्सिया के। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जब सेल डिवीजन अगर हमारे यहाँ पे हो रही है और सेल डिवीजन के लिए भी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं एस फेज के लिए, तो एस फेज के अंदर जब हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन जब होती है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए है ना वो हमारे यहाँ पे सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, किसी भी डैमेज के लिए। तो जब हमारे यहाँ पे डीएनए सेंसिटिव है तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं कुछ हमारे यहाँ पे ब्रेक्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया तो इसके अंदर यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड कोई कट हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंडेड भी हमारे यहाँ पे कोई कट हो सकता है। ठीक है, तो इन कट्स को हम यहाँ पे किस तरीके से टॉलरेट करेंगे किस तरीके से इनको हम यहाँ पे रिपेयर करेंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे ये ब्रेक होते हैं तो उसकी वजह से जो यहाँ पे सेल साइकिल होगा उसके ऊपर क्या इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं कि ये हमारा किस तरीके से यहाँ पे रिपेयर होकर किस तरीके से हमारे यहाँ पे सेल साइकिल को ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे आता है टॉपिक टैक्सिया टेंजेक्सिया का। ठीक है, ए टी इज एन इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, इस चीज को ना आप यहाँ पे याद रख सकते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे जो 4 मार्क्स का जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट दी जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे एटी है यानी कि अटैक्सिया टेंजेक्सिया ये हमारे कैसे डिजीज होगी इनहेरिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। ए डिजीज्ड पर्सन हैज ए ग्रेटली इंक्रीज्ड रिस्क फॉर सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, और जिसके अंदर ये वाली डिजीज हमें देखने को मिलेगी उस पर्सन के अंदर
यहाँ पे हाई रिस्क रहेगा किसके लिए, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स के लिए, ठीक है। और कैंसर, कैंसर का मतलब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल डिवीजन है, ठीक है, वो हमारी कैसी हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड हो चुकी है। सेल डिवीजन हमारे यहाँ पे कैसी हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। यानी कि जिस पर्सन के अंदर ये वाली डिजीज हमें देखने को मिलेगी उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, हाई चांसेस वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद है, इट हैज बीन एनालाइज्ड दैट 80 पेशेंट्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू आयनाइजिंग रेडिएशन। अब यहाँ पे फर्दर हमें क्या डिटेल देखने को मिली कि जो यहाँ पे हमारे 80 पेशेंट्स है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे उनके अंदर हाई चांसेस तो है कैंसर के लिए, उसके अलावा ये जो हमारे यहाँ पे जो पेशेंट्स होंगे ना, वो हमारे क्या रहेंगे, हाईली सेंसिटिव होंगे आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए, ठीक है। और जो आयनाइजिंग रेडिएशन यहाँ पे होती है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या करती है, डीएनए के अंदर ब्रेक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है। व्हेन नॉर्मल सेल आर सब्जेक्टेड टू आयनाइजिंग रेडिएशन और डीएनए अल्टरिंग ड्रग दैट डैमेज डीएनए, देयर प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल स्टॉप व्हेन द डैमेज इज रिपेयर्ड एंड लीड्स टू अ डिले इन द सेल साइकिल प्रोग्रेशन। देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसी नॉर्मल सेल के लिए, ठीक है, अब नॉर्मल सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिला, नॉर्मल सेल यानी कि हमारे यहाँ पे जो पर्सन है ना, वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल है, उसके अंदर कोई डिजीज या फिर 80 डिजीज अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो वो यहाँ पे उस पर्सन के अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, एक नॉर्मल सेल हमारे यहाँ पे था और नॉर्मल सेल के साथ हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने एक्सपोज किया किसके साथ, आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ, आईआर के साथ, ठीक है। या फिर हमारा कोई ऐसा ड्रग है जो कि हमारे यहाँ पे क्या कर सकता है, डीएनए को यहाँ पे अल्टर कर सकता है, दैट डैमेज डीएनए, या फिर वो डीएनए को यहाँ पे डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ट्रीट किया, और ट्रीट करने से हमारे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, देयर प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल स्टॉप व्हेन द डैमेज इज रिपेयर। अब यहाँ पे इस सेल के अंदर जो नॉर्मल सेल है, इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे इसके अंदर सेल साइकिल जो हो रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। और कब तक वो स्टॉप रहा, जब तक कि जो डीएनए डैमेज था वो हमारे यहाँ पे रिपेयर ना हो गया, एंड लीड्स टू अ डिले इन द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ पे सेल साइकिल है उसके अंदर हम यहाँ पे एक डिले देखने को मिलता है, ठीक है। डिले क्यों हुआ, क्योंकि ये रुक गया था, क्यों रुक गया था, क्योंकि यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर यहाँ पे जो डीएनए था वो यहाँ पे डैमेज हो चुका था। इफ एनी ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए इज डैमेज्ड और सर्टेन क्रिटिकल प्रोसेस सच एज डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग एस फेज और क्रोमोसोमल अलाइनमेंट ड्यूरिंग एम फेज हैव नॉट बीन सीन प्रॉपरली कंप्लीटेड, देर आर वेरियस चेक पॉइंट दैट स्टॉप द सेल साइकिल प्रोग्रेस। अब यहाँ पे अगर हमारा जो क्रोमोसोमल डीएनए है, अगर उसके अंदर यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे कुछ क्रिटिकल प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो कि हमारी एस फेज के अंदर होती है, या फिर अगर यहाँ पे जो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट भी है एम फेज के अंदर, आगे हम इसको स्टडी करेंगे, तो अगर यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर अगर यहाँ पे कोई डैमेज हो जाता है, या फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसके अंदर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे इम्बेलेंस अगर यहाँ पे हो जाता है कोई, उसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अलावा यहाँ पे जो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट होती है एम फेज के अंदर, अगर उसके अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और वो अगर हमारे यहाँ पे प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपरली अगर कंप्लीट नहीं हुई हो, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे जो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट है अगर वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई हो, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, देर आर वेरियस चेक पॉइंट दैट स्टॉप द सेल साइकिल प्रोग्रेसिंग। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं चेक पॉइंट्स, और इनका काम क्या होता है, इसी चीज़ को तो चेक करना होगा कि क्या जो जब हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रही है तो उस टाइम पे क्या जो हमारा सेल है वो हमारा नॉर्मल है या फिर उसके अंदर कोई डैमेज आ चुका है, चेक पॉइंट का यही तो काम होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन अगर यहाँ पे ठीक से ना हुई हो, तो यहाँ पे जब हमारा G2 M फेज जो हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होगी वो क्या कर देगा, इस प्रोसेस को जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन है उसको यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ये चेक पॉइंट पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। अगर यहाँ पे हमारी जो एम फेज था अगर उसके अंदर अगर हमारी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोमल अलाइनमेंट अगर यहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो एम फेज के अंदर, वहाँ पे हमारा क्या है, वहाँ पे भी हमारा एक और चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, कौन सा, एम मेटा टू एनाफेज ट्रांजिशन चेक पॉइंट। तो ये क्या कर देगा, उस प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देगा, ठीक है। चेक पॉइंट मशीनरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन दैट हैव नो रोल इन नॉर्मल सेल साइकिल इवेंट एंड आर ओनली कॉल्ड इन टू एक्शन वेन एन एबनॉर्मलिटी अपियर्स। अब जो हमारे यहाँ पे जो चेक पॉइंट थे ना, चेक पॉइंट मशीनरी जो हमारे यहाँ पे अलग अलग होती है, तो जो ये चेक पॉइंट मशीनरी होती है ना उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स होंगे, और इन प्रोटीन का नॉर्मल अगर हम यहाँ पे सेल साइकिल के लिए बात करें तो उसके अंदर इनका कोई रोल नहीं होता नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर, लेकिन अगर यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी हो जाएगी तब वो उनका वहां पे रोल रहेगा। तो एक तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो चेक पॉइंट है ना, चेक पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, चेक पॉइंट एक तरीके से यहाँ पे पुलिस हो चुकी है, ठीक है, पुलिस हो गई। अब पुलिस के अंदर यहाँ पे
कुछ तो यहाँ पे हमारे ऐसे पुलिस वाले भी होंगे जो कि क्या करेंगे, जो सिर्फ जब एबनॉर्मलिटी होगी ना तभी वो अपियर होंगे, ठीक है। कुछ तो ऐसे पुलिस वाले भी होंगे जो कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी देंगे, ठीक है, डेली उनकी ड्यूटी रहेंगे। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं जो कि क्या करेंगे, जब एबनॉर्मलिटी होगी तभी वो अपियर होंगे, तभी वो एक्शन में आएंगे, ठीक है। चेक पॉइंट आर एक्टिवेटेड थ्रू आउट द सेल साइकिल बाय ए सिस्टम ऑफ सेंसर दैट रिकॉग्नाइज डीएनए डैमेज और सेलुलर एबनॉर्मलिटी। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे चेक पॉइंट है ना वो तो हमारे थ्रू आउट द सेल साइकिल हमारे यहाँ पे एक्टिव रहेंगे, पुलिस तो यहाँ पे एक्टिव रहेगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे स्पेशल फोर्स है, जो यहाँ पे हमारे एबनॉर्मलिटी के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे अपियर होंगे, वो सिर्फ हमारे जब यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज होगा तभी वो अपियर हो पाते हैं, ठीक है। चेक पॉइंट तो हमारे यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, वो पूरे साइकिल को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, उसको यहाँ पे सेंस कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि उनके अंदर कोई डीएनए डैमेज हुआ है या फिर नहीं हुआ। और अगर कोई डीएनए डैमेज हुआ है तो जो हमारे यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगी और वो उसको वहाँ पे रिपेयर कर देंगे, ठीक है, रिपेयर कर देंगे। ऑन सेंसिंग ए डिफेक्ट इट ट्रिगर ए रिस्पॉन्स दैट टेम्परेली अरेस्ट फर्दर सेल साइकिल प्रोग्रेस। और जैसे ही जो हमारे यहाँ पे चेक पॉइंट होंगे, चेक पॉइंट को जैसे ही यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज या फिर कोई सेलुलर एबनॉर्मलिटी अगर यहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो जो सेल साइकिल यहाँ पे चल रहा है ना उसको ही स्टॉप कर देगा, ठीक है, इस प्रोसेस को रोको भाई, हम देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को हम ठीक करेंगे तभी हम आपको यहाँ पे आगे जाने देंगे, ठीक है। तो चेक पॉइंट का यही काम रहेगा, वो यहाँ पे देखिएगा कि डीएनए या फिर सेलुलर के अंदर यहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी या फिर कोई डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो प्रोसेस को रोक देगा, अगर कोई डैमेज नहीं है तो आगे उसको प्रोसीड करवा देगा। ऑन द सेल यूज दिस डिले टू रिपेयर द डैमेज एट और करेक्ट द डिफेक्ट रेदर देन कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट स्टेज। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब तक इसने यहाँ पे इसको स्टॉप किया तब तक ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे स्पेशल फोर्स थी यानी कि जो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो कि हमारे यहाँ पे अबनॉर्मलिटी के टाइम पे अपियर होते थे, तो वो क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे डैमेज हुआ है उसको यहाँ पे रिपेयर कर देंगे। इफ द डीएनए डैमेज इज बियॉन्ड रिपेयर, और अगर यहाँ पे कुछ ऐसे हमें देखने को मिला कि जो डीएनए डैमेज हुआ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे हो चुका है कि उसको हम यहाँ पे रिपेयर ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे क्या होगा, द चेक पॉइंट मैकेनिज्म ट्रांसमिट ए सिग्नल दैट लीड्स एदर फॉर द सेल डेथ और परमानेंट सेल साइकिल अरेस्ट। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा डैमेज हो जाएगा जिसकी वजह से जो डीएनए डैमेज है वो हमारे यहाँ पे ठीक हो ही नहीं सकता, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे चेक पॉइंट्स होंगे वो सिग्नल यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और वो क्या सिग्नल देंगे कि या तो आप उस सेल को मार दो, ठीक है, या फिर उसकी फर्दर आप यहाँ पे सेल साइकिल ना होने दो, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे सेनेसेंस। तो ये हमारे यहाँ पे कौन थे, चेक पॉइंट्स थे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 80 से स्टार्ट किया था और हम यहाँ पे चलते चलते चेक पॉइंट्स पे आ गए, तो 80 का रोल हमारा आगे होगा, आगे हम उसको देखेंगे यहाँ पे। अभी तक आपको यहाँ पे इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमारे जो चेक पॉइंट्स होंगे ना वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेल डैमेज है या फिर जो यहाँ पे डीएनए डैमेज है उसको यहाँ पे रिपेयर करने का काम करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने आपको पीछे बताया था कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए होता है ना, डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे ब्रेक हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड के अंदर भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड के अंदर भी यहाँ पे हमें ब्रेक देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, द एटीएम जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्सिया टेंजेक्सिया इनकोड ए प्रोटीन काइनेज दैट इज एक्टिवली एक्टिवेटेड बाय सर्टेन डीएनए लेसेंस पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे होते हैं एटीएम जीन, और ये जो एटीएम जीन है ये हमारे यहाँ पे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अटैक्सिया टेंजेक्सिया के लिए, ठीक है। और ये हमारे क्या करेंगे, जो एटीएम जीन है ना, ठीक है, यही जीन हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमने पीछे डिजीज की बात की थी ना एटी के लिए, उसी डिजीज के लिए, यानी कि जब हमारी एटी डिजीज होगी तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे जो जीन हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, जिस जीन की वजह से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो डिजीज हुई है वो हमारे कौन सा यहाँ पे जीन होगा, एटीएम जीन। अब जो ये बेचारा एटीएम जीन था ना, ये हमारा क्या कर रहा था, ये हमारा किसी प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड कर रहा था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, एक प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड करेगा दैट इज एक्टिवेटेड बाय सर्टेन डीएनए लाइसेंस पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। देखो एटीएम है, एटीएम ने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड किया, और ये जो प्रोटीन काइनेज है ना ये क्या कर रहा था, ये यहाँ पे डिटेक्ट करता था, डिटेक्ट किसको करता था, जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स है उनको, पर्टिकुलर अगर हमारी बात करें तो जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो ब्रेक्स है उनको ये क्या कर रहा था, यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा था, ठीक है, कौन कर रहा था, प्रोटीन काइनेज, और इसको कोड कौन कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे एटीएम जीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ए सिंगल ब्रेक इन डीएनए मॉलिक्यूल कॉज रैपिड लार्ज स्केल एक्टिवेशन ऑफ एटीएम मॉलिक्यूल कॉजिंग सेल साइकिल अरेस्ट। एटीआर इज अनदर प्रोटीन काइनेज दैट इज एक्टिवेटेड बाय अदर टाइप ऑफ लेसन इंक्लूडिंग दोज रिजल्टिंग फ्रॉम द इनकम्प्लीट रेप्लिकेटेड डीएनए और यूवी रेडिएशन।
है। अब हमारे यहाँ पे एक तो हमने एटीएम की यहाँ पे बात की, एटीएम ने यहाँ पे प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड किया, उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक और जहाँ पे जीन होगा एटीआर, और एटीआर हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ये भी एक और प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड करेगा, जिस तरीके से यहाँ पे एटीएम ने कोड किया था ना, तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे एटीआर भी होगा ना, ये भी क्या करेगा, एक प्रोटीन काइनेज को यहाँ पे कोड करेगा। और ये जो प्रोटीन काइनेज होगा ये हमारा किसको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, जो हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीटेड रेप्लिकेशन डीएनए या फिर जो यूवी रेडिएशन है, और जो यूवी रेडिएशन है या फिर जो हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीटेड डीएनए या फिर अगर हम यहाँ पे एटीआर की पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे किसके लिए होता है, ये हमारे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के लिए होगा। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे कोई ब्रेक आएगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन काइनेज जो हमारे यहाँ पे उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको कोड हमारा कौन करा था, एटीआर। डबल स्ट्रैंड के लिए कौन था, एटीएम, और फर्स्ट के लिए हमारे यहाँ पे कौन था, एटीआर वन के लिए। ठीक है, बोथ एटीएम एंड एटीआर आर पार्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट बाइंड टू क्रोमेटिन कंटेनिंग डैमेज डीएनए। अब देखो जो हमारे यहाँ पे एटीएम है, एटीएम किसके लिए था, डबल स्ट्रैंडेड के लिए। एटीआर हमारा किसके लिए था, यहाँ पे जो हमारे यूवी रेडिएशन या फिर अनकम्प्लीटेड रेप्लिकेटेड डीएनए था, ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड वाले थे। तो ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, ये हमारे एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के पार्ट होंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, क्रोमेटिन के साथ बाइंड हो जाएगा, और किस क्रोमेटिन के साथ, जहाँ पे हमारा डैमेज डीएनए है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको डायग्राम के अंदर भी देखेंगे। अब पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक बार जो हमारे यहाँ पे एटीआर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले हमने एक बार एटीएम और एटीआर की दोनों यहाँ पे बात कर लिया, ऑन बाइंडिंग क्रोमेटिन एटीएम एंड एटीआर कैन फॉस्फोरिलेट डिफरेंट प्रोटीन दैट पार्टिसिपेट इन सेल साइकिल चेक पॉइंट एंड डीएनए रिपेयर। अब ये जो हमारे एटीएम और जो एटीआर है ना, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो प्रोटीन काइनेज यहाँ पे बनाया है, इन्हीं को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, एटीएम और एटीआर यहाँ पे बोल रहे हैं प्रोटीन को भी। तो जो ये काइनेजेस है ना, या फिर जो एटीएम और एटीआर है, ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे फर्दर, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या था, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक था, ठीक है, और जो ये हमारे यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक है, इसको क्या किया, जो हमारे यहाँ पे एटीएम प्रोटीन था, प्रोटीन काइनेज जो यहाँ पे था, उसने क्या किया, इसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, और ये डिटेक्ट करके यहाँ पे क्या करेगा, डिफरेंट प्रोटीन को यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन के थ्रू उनको यहाँ पे कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, और रेगुलेट करके क्या कर देगा, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल है उसको यहाँ पे क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। हमने बताया था ना कि अगर यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज होगा तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप होगी। तो यहाँ पे जब डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे कोई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे एटीएम ने क्या किया, उसको डिटेक्ट किया और प्रोसेस को यहाँ पे क्या करवा दिया, स्टॉप करवा दिया, और कैसे करवाएगा, फॉस्फोरिलेशन के थ्रू। सिमिलर इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, एटीआर होगा, जो कि क्या करेगा, सिंगल स्टैंड ब्रेक को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा और प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, व्हेन ए सेल इज सब्जेक्टेड टू यूवी इरेडिएशन एटीआर काइनेज इज एक्टिवेटेड एंड द सेल अरेस्ट इन द जी टू। देखो जब हमारे यहाँ पे कोई यूवी रेडिएशन से हमारे यहाँ पे कोई डैमेज हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर यहाँ पे कोई ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उससे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एटीआर था, एटीआर काइनेज, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होने से वो क्या करेगा, सेल साइकिल को यहाँ पे अरेस्ट कर देगा, किसके अंदर, जी टू के अंदर। ठीक है, सिंगल वाला यहाँ पे कौन सा था, एटीआर, एटीआर क्या कर देगा, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देगा, किसके अंदर, जी टू के अंदर। क्लियर है, एटीआर काइनेज इज रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ प्रोटीन कोटेड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए सच एज दोज प्रेजेंट इन द यूवी डैमेज्ड डीएनए इज। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो एटीआर काइनेज होता है ना, वो हमारा क्या करेगा, जहां पे भी हमारा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है उसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन बाउंड है, प्रोटीन कोटेड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, जहाँ पे हमारा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंगल स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रोटीन हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोटीन, और इन प्रोटीन के साथ हमारा क्या होगा, जो एटीआर होगा वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, एटीआर काइनेज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारी थी यूवी रेडिएशन, ठीक है, इस यूवी रेडिएशन ने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए था, ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक सिंगल स्ट्रैंड डैमेज यहाँ पे कर दिया, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा डीएनए हो गया, और यहाँ पे हमारा सिंगल स्ट्रैंड डैमेज यहाँ पे हो गया, ये वाला सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे डैमेज हुआ। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड के अंदर हमारे यहाँ पे कोई डैमेज हुआ, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, डीएनए ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ब्रेक होने से यहाँ पे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कि हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये बाइंड हो जाएंगे कुछ प्रोटीन्स, और ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे ना, इनको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोटीन, जो कि हमारे सिंगल स्ट्रैंड जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है वहाँ पे जाके हमारे बाइंड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो एटीआर काइनेज होगा ना, वो इन प्रोटीन्स को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, इनको देखेगा कि क्या ये कहीं पे बाइंड है, अगर ये बाइंड है तो यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक वहाँ पे जरूर हो रखा है। तो अब यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे हमारे आते हैं जो हमारा एटीआर काइनेज होगा, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे डीएनए था, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारा आए थे जो सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे प्रोटीन्स थे, ठीक है। अब इनके साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आएगा एटीआर, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एटीआर हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये एटीआर है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, ये हमारा, अब यहाँ पे हम किसके लिए बात करें, जी टू फेज के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जी टू फेज के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एटीआर है ना, एटीआर एक और यहाँ पे हमारा प्रोटीन होता है सी एच के वन, हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एटीआर होगा, ये क्या करेगा, सी एच के वन को यहाँ पे फॉस्फोरेट यहाँ पे कर देगा। जैसे कि ये सी एच के वन हो गया, और सी एच के वन को इसने क्या किया, यहाँ पे फॉस्फोरेट यहाँ पे कर दिया। और फॉस्फोरेशन से यहाँ पे क्या हुआ कि ये अब हमारे यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। पहले ये हमारा कैसा था, ये हमारा इनएक्टिव था। फॉस्फोरेशन से क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे एक्टिव हो गया। एक्टिव कब होगा, जब हमारे यहाँ पे एटीआर इससे बाइंड हो जाएगा। अब ये जो हमारे यहाँ पे एक्टिवेटेड सी एच के वन है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जाएगा, एक मिनट, इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा होता है एक CDC25, CDC25 होगा। और ये भी हमारा कैसा होगा, यहाँ पे ये हमारा नॉन फॉस्फोलेटेड स्टेट में होगा, और यहाँ पे जो हमारा सी एच के वन होगा जो कि एक्टिवेटेड है, अब ये क्या कर देगा, CDC25 को यहाँ पे फॉस्फोलेट यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो CDC25 है, इसको यहाँ पे क्या कर देगा, फॉस्फोलेट यहाँ पे करेगा। और ये जो फॉस्फोलेशन यहाँ पे हुई है ना, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगी कि ये हमारा, देखो ये जो प्रोसेस चल रही है, डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये जो हमारी यहाँ पे कंप्लीट जो प्रोसेस चल रही है ना, ये हमारे कहाँ पे है, डीएनए के अंदर है। जैसे कि ये, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट जो साइकिल चल रहा था ना, ये हमारा कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर था ये, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे CDC25 है, जब ये इसकी यहाँ पे फॉस्फोलेशन हो जाती है, तो ये हमारा आउट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और आउट ऑफ न्यूक्लियस जाके ये क्या करेगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे CDC25 है, ठीक है, ये 25 हो गया, यहाँ पे इसके साथ फॉस्फो यहाँ पे हमारा बाइंड था। अब ये क्या करेगा, ये हमारा बाहर जाके साइटोप्लाज्म के अंदर एक और हमारे यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन होता है, अडेप्टर प्रोटीन, और अडेप्टर प्रोटीन का नाम यहाँ पे क्या होगा, 14-3-3 सिग्मा, ठीक है। इस अडेप्टर प्रोटीन के साथ यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे प्रॉब्लम अब क्या हुई, हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पे यूवी रेडिएशन से सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो उससे हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल था, वो हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो बाहर चला गया, स्टॉप यहाँ पे प्रोसेस कैसे हुई, तो देखो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था, जो हमारे यहाँ पे CDC25 है, ये हमारा क्या था, ये हमारा एक फॉस्फेटेज था, ठीक है। और इस फॉस्फेटेज ने वहां पे क्या किया था कि जो हमारे यहाँ पे सीडीके थे, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पे CDC25 है, वो हमारे यहाँ पे एक फॉस्फेटेज होता है, और फॉस्फेटेज यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा सीडीके है एक पर्टिकुलर, उस सीडीके की जो फॉस्फोलेशन यहाँ पे होती है ना, ठीक है, जो इसके साथ यहाँ पे फॉस्फेट है, फॉस्फेटेज क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फॉस्फेट को यहाँ पे रिमूव कर देता था, ठीक है। और जैसे ये इसको यहाँ पे रिमूव करता था, तो जो ये हमारे यहाँ पे सीडीके बचता था, ठीक है, ये हमारा कैसा हो जाता था, एक्टिव होता था, और एक्टिव होकर ये क्या करता था, सेल साइकिल प्रोग्रेशन यहाँ पे करवाता था, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ पे फर्दर प्रोसीड यहाँ पे करवा देता था सेल साइकिल। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे CDC25 है, अब इसकी यहाँ पे जब फॉस्फोलेशन हुई, तो ये तो हमारा बाहर चला गया, ठीक है। अब ये अगर बाहर चला जाएगा, तो यानी कि हमारे यहाँ पे फॉस्फेटेज तो है ही नहीं, अगर फॉस्फेटेज यहाँ पे नहीं होगा, तो ये जो हमारे यहाँ पे CDK था, ठीक है, जिसकी यहाँ पे फॉस्फोलेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, अब यहाँ से ये फॉस्फेट यहाँ पे नहीं रिमूव होगा, CDC25 ही तो इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा था। अगर यहाँ पे CDC25 ही नहीं है, तो यहाँ पे ये रिमूव भी नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, तो जो हमारे यहाँ पे सीडीके है, वो हमारा कैसा रहेगा, इनएक्टिवेट रहेगा। और अगर ये इनएक्टिवेट रहेगा, तो यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है, वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, जो यहाँ पे सेल साइकिल है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा। और ये कब तक अरेस्ट रहेगा, जब तक हमारे यहाँ पे ये एटीआर यहाँ से रिमूव नहीं होगा। एटीआर कब तक रिमूव नहीं होगा, जब तक यहाँ पे जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए प्रोटीन है, वो हमारे यहाँ पे रिमूव नहीं होंगे। और वो कब रिमूव होंगे, जब हमारे यहाँ पे जो डीएनए डैमेज है, वो हमारे यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे रिपेयर हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे जो प्रोटीन है, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, एटीआर भी यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव होगा, तो जो हमारे यहाँ पे CHK1 है, वो भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। इनएक्टिवेट होने से जो हमारे यहाँ पे CDC25 है, उसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो रही थी, वो हमारे यहाँ पे नहीं होगी,
जिससे कि फॉस्फेट है जिसको रिमूव कर देगा, रिमूव करने से ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा सीडीके, और यहाँ पे हमारी जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए केस था, जो हमारे यहाँ पे एटीआर था, यानी कि जब हमारे यहाँ पे यूवी रेडिएशन या फिर जो हमारे यहाँ पे अनरेप्लिकेटेड डीएनए था या फिर जो हमारे यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक था उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो सेल साइकिल अरेस्ट हो रहा था वो किस वजह से किस तरीके से यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो ये तो हमारे यहाँ पे किसके लिए केस हो गया, एटीआर के लिए। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ के चलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एटीआर जो हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया था, एटीआर काइनेज, ठीक है, कहाँ पे प्रोटीन के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो गया था, और कब बाइंड हुआ था, जब हमारे यहाँ पे कोई यूवी डैमेज हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे एटीआर है वो हमारे क्या कर देगा, फॉस्फोलेट करेगा एंड एक्टिवेट ए चेक पॉइंट काइनेज CHK1 विच इन टर्न फॉस्फोलेट CDC25 ऑन ए पर्टिकुलर सेरीन रेसिड्यू। दिस फॉस्फोरिलेशन मेक्स द CDC25 मॉलिक्यूल ए टारगेट फॉर ए स्पेशल प्रोटीन 14333 सिग्मा दैट बाइंड टू CDC25 इन द साइटोप्लाज्म। देखो, जो हमारे यहाँ पे एटीआर था, एटीआर ने क्या किया, CDH1 को यहाँ पे एक्टिवेट किया, उसने क्या किया, CDC25 को यहाँ पे फॉस्फोलेट यहाँ पे कर दिया, जिसकी वजह से वो हमारा आउट ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे चला गया, वहाँ पे वो जाके साइटोप्लाज्म में जाके वो एक स्पेशल जो हमारा अडेप्टर प्रोटीन है 14333 सिग्मा उसके साथ वहाँ जाके वहाँ पे बाइंड हो गया। अब जब ये बाहर चला गया तो अब यहाँ पे फॉस्फेटेज तो है नहीं, दिस इंटरेक्शन इनहिबिट CDC25 फॉस्फेटेज एक्टिविटी एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड इनटू द न्यूक्लियस। CDC25 नॉर्मली हेल्प द G2M ट्रांजिशन बाय रिमूविंग इनहिबिटरी फॉस्फेटेज फ्रॉम द CDK1। ठीक है, अब क्योंकि ये बाहर ही जा चुका है तो इससे यहाँ पे हमारा जो इनहिबिटरी फॉस्फेट है वो हमारे यहाँ पे रिमूव नहीं होगा। दस द एब्सेंस ऑफ CDC25 फ्रॉम द न्यूक्लियस लीव द CDK इन एन इनएक्टिव स्टेट एंड द सेल साइकिल हाल्ट एट द G2। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, जब हमारे यहाँ पे सिंगल स्टैंड ब्रेक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जब हमारे यहाँ पे डबल स्टैंड के अंदर अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, डीएनए डैमेज आल्सो कॉज प्रोटीन सिंथेसिस दैट डायरेक्टली इनहिबिट द साइक्लिन सीड के कॉम्प्लेक्स दैट ड्राइव द सेल साइकिल। सेल एक्सपोज टू आयनाइजिंग रेडिएशन इन द G1 सिंथेसाइज ए प्रोटीन कॉल्ड P21 दैट इनहिबिट द काइनेज एक्टिविटी ऑफ द G1 CDK। देखो, जब हमारे यहाँ पे पीछे हमने जो बात की थी वो हमने किसके लिए बात की थी, यूवी रेडिएशन के लिए। अब की बार हम यहाँ पे किसके लिए बात करेंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए। तो जब यहाँ पे हमारा कोई सेल है वो हमारे यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ हमारे यहाँ पे एक्सपोज होता है, ठीक है, G1 स्टेज के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे क्या करेगा, P21 एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन होता है उसके यहाँ पे सिंथेसिस कर देगा। और जो P21 है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या करता है, सेल साइकिल को यहाँ पे स्टॉप कर देता है। तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, CKI यानी कि जो हमारे यहाँ पे साइक्लिक काइनेज एक्टिविटी है उसको यहाँ पे क्या कर देता है, इनहिबिट यहाँ पे करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे हमारे आयनाइजिंग रेडिएशन हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्रोटीन P21 की यहाँ पे हमारी सिंथेसिस होगी दैट इनहिबिट द काइनेज एक्टिविटी ऑफ द G1 CDK। दिस प्रिवेंट द सेल फ्रॉम फॉस्फोलेटिंग की सबस्टेट एंड फ्रॉम एंटरिंग एस फेज। और ये उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे एस फेज के अंदर जो एंट्री होनी चाहिए थी वो हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाएगी। जब G1 CDK अगर हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा एस फेज के अंदर हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी। डीएनए ब्रेक दैट आर कॉज्ड बाय द आयनाइजिंग रेडिएशन सर्व एज द साइट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टर्म्ड एज mRNA व्हिच एक्ट एज ए सेंसर फॉर द डीएनए ब्रेक। देखो, लास्ट जो हमारे यहाँ पे हमने सिंगल स्टैंड की जब बात की थी तो वहाँ पे हमने बात किया था कि जब हमारे यहाँ पे सिंगल स्टैंड डीएनए के अंदर कोई ब्रेक होगा तो वहाँ पे हमारे बाइंड होने के लिए क्या होते हैं, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारे यहाँ पे जब आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे यहाँ पे काम करेंगी तो आयनाइजिंग रेडिएशन जो होंगी ना वो हमारे यहाँ पे क्या करेंगी, डबल स्टैंड डीएनए के अंदर हमारे यहाँ पे ब्रेक कर देगी। ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंड डीएनए के अंदर जो ब्रेक आया यहाँ पे उनके साथ हमारे यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, mRNA। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आयनाइजिंग रेडिएशन हमारे यहाँ पे होंगी। अब ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन जो यहाँ पे होती है वो हमारे क्या करेंगी, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया, ठीक है, इसके अंदर क्या कर देगी, वो इसके अंदर यहाँ पे ब्रेक्स इंट्रोड्यूस यहाँ पे करेगी। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया और इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे हो गया, दोनों स्टैंड यहाँ पे टूट गए बीच में से। ठीक है, अब इनके साथ यहाँ पे बाइंड करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे हमारा होता है mRNA। ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारे होंगे ये हमारे कौन से है, ये हमारे होते हैं mRNA। ठीक है, अब जब यहाँ पे हमारे इनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे तो इनके साथ हमारे यहाँ पे जो ATM होगा वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड होगा। जैसे कि हमारा ATR पहले बाइंड हो रहा था ना, तो अब की बार हमारे यहाँ पे क्या होगा, ATM काइनेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हमारे यहाँ पे ATM काइनेज इनके साथ हमारे यहाँ पे बाइंड होगा, तो पीछे जैसे कि हमारे वहाँ पे क्या हो रहा था, CHK1 हमारा वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा था,
तो अब की बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे होगा सी एच के टू हमारे यहाँ पे एक्टिवेट, ठीक है। ये हमारा किस में बन जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा सी एच के टू हमारे यहाँ पे फॉस्फोरिलेट, और जिसकी वजह से अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हमारा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे हो जाता है एक्टिव, और पहले ये हमारा कैसा था, ये हमारे यहाँ पे था इनएक्टिव, ठीक है। अब ये जो सी एच के टू है, ठीक है, अब ये हमारा क्या करता है, ये हमारा जाएगा P53 के पास, ठीक है। और ये हमारा कैसा था पहले, ये हमारा होता है अनस्टेबल, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे सी एच के टू इसके पास जाएगा, तो ये इसको क्या कर देगा, ये यहाँ पे इसको P53 को यहाँ पे करेगा पहले फॉस्फोरेट, और फॉस्फोरेशन से ये क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे स्टेबल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो P53 है, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा जाएगा डीएनए के पास, ठीक है। देखो ये प्रोसेस भी हमारे कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर ही यहाँ पे हो रही है, जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी ना, न्यूक्लियस के अंदर हमारी प्रोसेस हो रही थी, और वहाँ पे हमारा जो CDC25 था वो हमारा आउट ऑफ न्यूक्लियस चला गया था। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे ये भी प्रोसेस है ना, वो भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही चल रही है अभी तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे P53 था, जो हमारे यहाँ पे अब स्टेबल हो चुका है, वो जाएगा इस डीएनए के पास और वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा P53 हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो गया, ठीक है। ये कौन सा है, फॉस्फोलेटेड वाला, ठीक है, एक्टिवेट जो यहाँ पे हो गया था, स्टेबल यहाँ पे जो हो गया था, तो यहाँ पे जाके बाइंड होगा, और बाइंड करके ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जो हमारा P21 जो हमारे यहाँ पे जीन होगा, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर देगा। और इसके एक्टिवेशन से क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, P21 mRNA यहाँ पे हमारा बनेगा, और इस mRNA से हमारे यहाँ पे क्या होगा, P21 प्रोटीन हमारे यहाँ पे सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो ये P21 जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन जो यहाँ पे बनेगा, ये प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा जो CDK होगा ना, हमने जैसे बताया था ना CDK, ठीक है, उसको वो क्या कर देगा, ये हमारा जो पहले एक्टिव फॉर्म में था, इसको ये क्या कर देगा, यहाँ पे CDK को इनएक्टिव यहाँ पे कर देगा, ठीक है। और इनएक्टिव होने की वजह से क्या 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 हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल है, सेल साइकिल वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, अरेस्ट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, पहले हमारा क्या आ रहा था वहाँ पे, जो हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन थे, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, mRNA आएंगे। ये क्या करेंगे, पहले हमारे ATR वहाँ पे हमारा एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ATM यहाँ पे एक्टिवेट होगा। ATR जो था, ATR हमारा क्या कर रहा था, CHK1 को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे ATM होगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, ये हमारा CHK2 को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। फर्दर हमारे यहाँ पे जो CHK2 है, वो हमारे यहाँ पे P23 को, P53 को यहाँ पे हमारा स्टेबल करके P21 जीन को यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि हमारे यहाँ पे P21 प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो CDK है वो हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाएगा और सेल साइकिल यहाँ पे अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमारा वही क्वेश्चन आता है कि हमने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो डिजीज यहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है, एंटेक्सिया, टेलेंजेक्सिया, ठीक है, तो ये हमारी डिजीज अब कहाँ पे काम आई, ये हमारी देखो काम आई जब हमने यहाँ पे बात की ATR ATM की, ठीक है, डबल स्ट्रैंड के अंदर। देखो हमने क्या बताया था आपको कि जो हमारे यहाँ पे उसी स्लाइड पे लेके चलते हैं हम। देखो हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे ATM डिजीज पर्सन होंगे, वे हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, उनके अंदर एक तो जो कैंसर का जो रिस्क होगा ना, वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ हमने यहाँ पे आपको क्या बताई थी कि जो ये पेशेंट होंगे ना, वो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए। और आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए हमने अभी आपको बताया, आयनाइजिंग रेडिएशन हमारी क्या करती है, डबल स्टैंड यहाँ पे ब्रेक इंट्रोड्यूस करेंगे। अब जब यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे ATM डिजीज पर्सन है, हम उसी डिजीज पर्सन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे ATM डिजीज यहाँ पे हो रही थी, उसके अंदर हमने आपको जैसे बताया था कि जो ये पर्टिकुलर जो पर्सन होगा ना, उसके अंदर हमारा कौन सा जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता था, ATM जीन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमने आपको बताया था द ATM जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक्सिया टेंजेक्सिया, ठीक है, ये हमारा किसके लिए होता था, जो ये ATM डिजीज थी उसी के लिए होता था। तो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि हम यहाँ पे उसी डिजीज पर्सन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या हो चुका है कि जो हमारा ATM जीन है ना, ये हमारा क्या हो चुका है, म्यूटेटेड यहाँ पे हो चुका है। इसकी म्यूटेशन जब होगी तभी हमारे यहाँ पे क्या था कि ATM यहाँ पे डिजीज थी वो हमारे यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे चलते हैं साइकिल के अकॉर्डिंग। हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे जो ATM डिजीज पर्सन जो होता है, वो हमारे यहाँ पे IR के लिए क्या होगा, वो हमारा वहाँ पे सेंसिटिव होगा, इसके लिए क्या होता था, सेंसिटिव होता था। अब सेंसिटिव वो क्यों होगा, क्योंकि जो ATM डिजीज पर्सन होगा उसके अंदर ATM तो बन ही नहीं रहा, अगर यहाँ पे ATM ही नहीं बनेगा तो यहाँ पे अगर हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन अगर होगी तो उससे क्या होगा, mRNA तो हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, लेकिन ATM यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ATM तो यहाँ पे इस डिजीज पर्सन के अंदर बन ही नहीं रहा ना। तो अगर यहाँ पे ATM ही नहीं होगा तो
ये जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है उसकी वजह से होना क्या चाहिए था, यहाँ पे हमारी सेल साइकिल अरेस्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे एटीएम ही नहीं बन रहा तो इसीलिए हमारे यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगी और यहाँ पे हमारी प्रोसेस ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और जो प्रोसेस हमारे यहाँ पे स्टॉप हो जानी चाहिए थी वो हमारी स्टॉप नहीं होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगी, हमारे यहाँ पे कैंसर कोज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन होगी ना, म्यूटेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन इस म्यूटेशन को अगर हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो उससे यहाँ पे क्या हो सकता है, कैंसर यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको इनिशियली बताया था कि जो हमारे यहाँ पे टैक्सिया डिस्ट्रिया, जो हमारे यहाँ पे डिजीज पर्सन होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो हमारे आईआर यानी कि आयनाइजिंग रेडिएशन के लिए हमारे यहाँ पे हाईली सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव क्यों होंगे, क्योंकि जो यहाँ पे आयनाइजिंग रेडिएशन है उसकी वजह से डैमेज यहाँ पे होता था उसको यहाँ पे रिपेयर कौन करता था, एटीएम। लेकिन एटीएम ही उनके अंदर यहाँ पे अगर नहीं बढ़ रहा तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, वो सेंसिटिव रहेगा और सेंसिटिविटी से क्या होगा, यहाँ पे कैंसर कोज हो सकता है इनमें, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड या फिर जो हमारा अटैक्सिया टेंजेक्सिया क्या जो पर्टिकुलर केस था, उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे ब्रेक होते हैं वो सब हमारे यहाँ पे, उसके लिए जो हमारे यहाँ पे मैकेनिज्म रहेगा वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट रहेगा, ठीक है। इसी को यहाँ पे अगर हम एक बार थियोरेटिकली और पढ़ लेते हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक था उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, एमआरएन हमारे यहाँ पे बाइंड हो गए थे, एमआरएन रिक्रूट एटीएम, उसने क्या किया, एटीएम को यहाँ पे रिक्रूट किया था, विच फॉस्फोरिलेट एंड एक्टिवेट द अनदर चेक पॉइंट काइनेज कॉल्ड CHK2। उसने क्या किया था, एटीएम ने CHK2 को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया था। CHK2 यहाँ पे क्या करता था, इन टर्न फॉस्फोरिलेट ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P53 विच लीड्स टू द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द P21G, ठीक है। CHK2 ने यहाँ पे क्या किया था, P53 को यहाँ पे एक्टिवेट किया, P53 ने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे P21 जीन है उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया और P21 प्रोटीन की यहाँ पे सिंथेसिस कर दी। और जो यहाँ पे P21 है वो हमारा क्या होता है, एक तरीके का CKI, जो कि क्या करेगा, CDK को यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देगा, इनहिबिट करेगा। और इसके म्यूटेशन से क्या होगा, म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड P53 कैन लीड टू द ट्यूमर फॉर्मेशन इन द ह्यूमन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे म्यूटेशन हमारे एटीएम में हो जाए, CHK में हो जाए, P53 के अंदर हो जाए या फिर P21 के अंदर हो जाए, किसी के अंदर भी यहाँ पे अगर म्यूटेशन होगी तो उससे हमारे यहाँ पे इन द एंड हमारा क्या होगा, ट्यूमर ही कोज होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सिंगल स्टैंड और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, जो कि हमारे किसके अंदर हो सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे एस फेज था, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, व्हाई डज रेप्लिकेशन अकर वंस पर साइकिल, कि जो हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो हमारी एक सेल साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही बार यहाँ पे क्यों हो रही है, ये भी हमारा टॉपिक किसके रिलेटेड है, एस फेज के रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन कब हो रही है, एस फेज के अंदर ही हो रही है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन है वो एक सेल साइकिल के अंदर या फिर एक सेल बार जब जो हमारे यहाँ पे जो सेल डिवीजन हो रही है उसके अंदर वो सिर्फ एक ही बार हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन क्यों हो रही है, वो बार बार क्यों नहीं हो रही वहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द एस फेज लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एक्यूरेटली अलोंग विद डीएनए, द प्रोटीन पैकेजिंग सराउंडिंग डीएनए मस्ट बी रिप्रोड्यूस टू इंश्योर दैट द डॉटर सेल इनहेरिट ऑल फीचर ऑफ द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन द जीनोम मस्ट बी कॉपीड ओनली वंस टू प्रिवेंट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द जीन एम्प्लीफिकेशन ड्यूरिंग द लेट माइटोसिस और अर्ली जीवन, जब हमारे यहाँ पे लेट माइटोसिस हो रही थी या फिर जब हमारे यहाँ पे अर्ली जीवन स्टेज थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमारा क्या होता था, जीवन देन एस देन उसके बाद G2 देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एम फेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे एम फेज कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो कंप्लीट डिवीजन थी वो हमारे यहाँ पे हो चुकी है। अब उस डिवीजन के बाद, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन हो चुकी थी ना, तो उस डिवीजन के बाद जब हमारे यहाँ पे लेट माइटोसिस था या फिर जब हमारे यहाँ पे अर्ली जीवन स्टेज थी, ठीक है, इसके बीच का जो हमारे यहाँ पे टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, व्हेन ए पेयर ऑफ इनएक्टिव डीएनए हेलिकेज आर लोडेड ऑन टू द रेप्लिकेशन ओरिजिन टू फॉर्म ए प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स और प्री आरसी। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए हो गया और ये जो डीएनए है ना ये हमारा कौन सी स्टेज का है, ये हमारा जो डीएनए है ना ये हमारा है जो हमारी अर्ली जीवन या फिर लेट माइटोसिस उस स्टेज का यहाँ पे है। और उस स्टेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो हेलिकेज होगा ना वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर लोड हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या होगा, जब हमारे यहाँ पे अर्ली जीवन स्टेज ही थी तो अर्ली जीवन स्टेज के अंदर जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइट हमारे यहाँ पे रहेगी, जैसे कि आपने जो मोल बायो हमारे यहाँ पे यूनिट है उसके अंदर इसको यहाँ पे स्टडी किया होगा एप्लीकेशन के अंदर भी। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारी एक साइट होती है ओरिजन, और ये जो ओरिजन है ना ये एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, रेप्लिकेशन स्टार्ट
यहीं से हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकते हैं, दूसरे जगह से नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा आएगा ORC, यहाँ पे हमारा कौन आएगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, ORC हमारा यहाँ पे आएगा, और ORC यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, एक और यहाँ पे हमारा प्रोटीन होगा CDC6, ये हमारा कौन सा हो गया, CDC6, इसको भी यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे CDC6 इसके साथ आएगा, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे DNA हो गया, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये क्या था, ये हमारे यहाँ पे ORC था, इसके साथ हमारे यहाँ पे ये CDC6 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये लेके आएगा जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज था। ठीक है, यानी कि MCM हेलिकेज हमारे यहाँ पे होता है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर हेलिकेज को हमारा लेके कौन आता है, इसको लेके आता है हमारा CDT1। ठीक है, एक और हमारे यहाँ पे प्रोटीन है CDT1, जो कि क्या करेगा, इसको यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के लिए, इसके लिए यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो हेलिकेज होते हैं ना, वो हमारे पैर में यहाँ पे एक एक स्टैंड के ऊपर यहाँ पे लोड हो जाएंगे, एक हमारा ऊपर वाले और एक हमारे यहाँ पे नीचे वाले स्टैंड के ऊपर, एक हेलिकेज ये हो गया, एक हेलिकेज ये हो गया, कंप्लीट यहाँ पे एक पेयर बन गया। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ पे पहुंच गया, ओरिजिन के पास यहाँ पे पहुंच गया। हेलिकेज क्या करता है, DNA को यहाँ पे अनवाइंड करेगा। ठीक है, उनको सेपरेट करेगा DNA स्टैंड को, और ये हमारी सेपरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारा जो रेप्लिकेशन है वो हमारी स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हेलिकेज हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाती है। अब ये भी हमारी जो प्रोसेस है ना, वो हमारी कब तक चल रही है, जीवन फेज के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे यहाँ पे एस फेज आएगा, ठीक है, तो एस फेज में आने से यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे SCDK होंगे वे हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे होता है DDK, ये भी हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये हम किस बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे एस फेज आ चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एस फेज में आने के अंदर देखो, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज है ना, वो अभी तक हमारा कैसा है, यहाँ पे इनएक्टिव ही है, ये हमारा अभी तक एक्टिवेट यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जीवन स्टेज है उसके अंदर ये कैसा है, हमारा इनएक्टिव है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे एस फेज आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको एक्टिवेट हमारे यहाँ पे करता कौन है, जो हमारे यहाँ पे DDK होगा, जो DDK है वो हमारा क्या करेगा, इस हेलिकेज को हमारे यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, हेलिकेज एक्टिवेशन। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो यानी कि एस फेज तो चल ही रहा है, तो जैसे ही हमारे यहाँ पे हेलिकेज एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे हमारी रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आता है कि हमारी यहाँ पे जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ हमारी एक ही बार यहाँ पे क्यों हुई, वो यहाँ पे इसीलिए हुई क्योंकि यहाँ पे हमारे जो SCDK जो हमारे यहाँ पे होंगे, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ORC होगा, जो हमारे यहाँ पे CDC6 होगा, जो हमारे यहाँ पे CDT1 होगा, इन सबको वो क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और इनको इनएक्टिवेट वो कब तक रखेंगे, जब तक हमारे यहाँ पे माइटोसिस ना हो जाए। ठीक है, यानी कि अब ये हमारी जो ORC है, CDC6 है, CDT1 है, वो हमारे यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। और इनका काम क्या था, ओरिजिन के साथ बाइंड होना। तो ये हमारा कब तक यहाँ पे एक्टिवेट, इनको इनएक्टिवेट रखेगा, जब तक हमारे यहाँ पे माइटोसिस नहीं होगी। जब तक हमारे यहाँ पे माइटोसिस हो जाएगी, जब हमारे यहाँ पे माइटोसिस कंप्लीट हो चुकी है, लेट माइटोसिस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो लेट माइटोसिस के अंदर क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे SCD है वो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। इनकी डिग्रेडेशन से यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो ORC, CDC6 और जो CDT1 है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे फिर से। और एक्टिवेट होने से जो हमारे यहाँ पे लेट माइटोसिस या फिर जो हमारे यहाँ पे अर्ली जीवन स्टेज है उसके अंदर ये क्या करेंगे, फिर से किसी ओरिजिन के ऊपर जाके वहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो SCDK या फिर जो DDK है वो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, ORC, CDC6 और CDT1 के थ्रू यहाँ पे हमारा कंट्रोल करेंगे कि जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही बार हो, एक सेल साइकिल के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हमारे SCDK फिर से बढ़ेगा, फिर से हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी कंप्लीट साइकिल ये चलती रहती है, और इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, सेल साइकिल। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे हम एक बार थियोरेटिकली पढ़ के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ड्यूरिंग लेट माइटोसिस एंड अर्ली जीवन, व्हेन ए पेयर ऑफ इनएक्टिव DNA हेलिकेज आर लोडेड ऑन टू द रेप्लिकेशन ओरिजन, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो इनएक्ट DNA हेलिकेज हमारे यहाँ पे जो ओरिजिन साइट के ऊपर हमारा बाइंड होगा, वो हमारा कैसा होगा, इनएक्टिवेट यहाँ पे होगा, टू फॉर्म ए प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, PRC। जो हमारे ये बाइंड हो गए थे ना, ठीक है, जो हमारे ये सब कुछ यहाँ पे बाइंड हो चुका था, तो इसको हमने क्या बताना है, ये हमारा यहाँ पे होता है PRC। ठीक है, PRC हम यहाँ पे किसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी रेप्लिकेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, प्री स्टेज में है वो। ठीक है, वो अभी तक यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसी को यहाँ पे हमने क्या बोला, प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स। प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स और PRC फॉर्मेशन लाइसेंसिंग द रेप्लिकेशन ओरिजिन, बिकॉज इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस इज परमिटेड ओनली एट द ओरिजिन कंटेनिंग ए PRC। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन है वो हमारी सिर्फ ओरिजिन से ही स्टार्ट हो पाएगी।
दिस इनएक्टिवेटेड डीएनए हेलिकेज गेट एक्टिवेटेड इन द एस फेज. ये हमारे एक्टिवेट कब होंगे? एस फेज के अंदर होंगे, रिजल्टिंग इन द डीएनए अनवाइंडिंग एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस. और जैसे ही हमारे एस फेज के अंदर ये हमारे जो हेलिकेज है वो हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारे डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा और डीएनए सिंथेसिस वहाँ पे हमारी स्टार्ट हो जाएगी. ऑन एक्टिवेशन टू हेलिकेज मूव आउट फ्रॉम द ओरिजिन साइट विद द रेप्लिकेशन फोर्क एंड दैट ओरिजिन कैन नॉट बी रीयूज्ड अंटिल ए न्यू प्री आरसी इज असेंबल्ड देयर एट द एंड ऑफ द माइटोसिस. जैसे ही हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे हेलिकेज है एक्टिवेट तो हो चुके हैं, अब वो क्या करेंगे, जो हमारे वहाँ पे अनवाइंडिंग है डीएनए की वो वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, और जिससे हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. एंड दैट ओरिजिन कैन नॉट बी रीयूज्ड. अब वो जो हमारे यहाँ पे जो ओरिजिन था वो हमारे यहाँ पे फिर से रीयूज नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि जो हमारे यहाँ पे CDC CD1 थे वे सब हमारे कैसे हो चुके हैं, इनएक्टिवेट वहाँ पे हो चुके हैं, और वे हमारे एक्टिवेट कब होंगे, लेट माइटोसिस के अंदर. दिस प्रोसेस मेक्स श्योर दैट द ओरिजिन कैन बी एक्टिवेटेड ओनली वंस पर सेल साइकिल एंड रेप्लिकेशन ओकर ओनली वंस पर सेल साइकिल. ठीक है, और इसी को यहाँ पे अगर हम और भी ज्यादा ब्रीफली अगर हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC बाइंड टू द रेप्लिकेशन ओरिजिन थ्रू आउट द सेल साइकिल. ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे ORC है वो हमारे यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा ओरिजिन के ऊपर. ड्यूरिंग लेट माइटोसिस एंड द अर्ली जीवन द प्रोटीन CDC6 एंड CDT1 कोलैबोरेट विद द ORC एंड लोड इनएक्टिव डीएनए हेलिकेज अराउंड द डीएनए नेक्स्ट टू द ओरिजिन टू फॉर्म प्री आरसी. ठीक है, ORC के साथ हमारे क्या हो गए थे, यहाँ पे CDC6 और CDT1 हमारे यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, और ये कोलैबोरेट करके यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पे इनएक्टिवेट डीएनए हेलिकेज है उसको यहाँ पे लोड कर देंगे, किसके अंदर, अर्ली जीवन स्टेज के अंदर. ठीक है, और वो वहाँ पे क्या कर देंगे, प्री आरसी की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था. ठीक है, यहाँ पे हमारा प्री आरसी की फॉर्मेशन हो चुकी है. अब देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द एस फेज SCDK फॉस्फोलेट स्पेसिफिक इनिशिएटर प्रोटीन एंड ट्रिगर द ओरिजिन एक्टिवेशन विच देन न्यूक्लिएट द असेंबली ऑफ ए लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट एक्टिवेट द डीएनए हेलिकेज एंड रिक्रूट द डीएनए सिंथेसिस मशीनरी. DDK इज ए अनदर प्रोटीन कॉनेज दैट ऑल्सो एक्टिवेट द इन द एस फेज एंड हेल्प ड्राइव ओरिजिन एक्टिवेशन बाई फॉस्फोलेटिंग स्पेसिफिक सब यूनिट ऑफ द डीएनए हेलिकेज. DDK ने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे डीएनए हेलिकेज है उसके स्पेसिफिक सब यूनिट को यहाँ पे हमारा फॉस्फोलेशन के थ्रू उसको वहाँ पे एक्टिवेट कर दिया. ठीक है, व्हेन SCDK इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन डिफरेंट मैकेनिज्म आल्सो एक्ट टू प्रिवेंट द असेंबली ऑफ द न्यू प्री आरसी. SCDK फॉस्फोलेट एंड देयर बाय इनहिबिट द ORC एंड CDC6 प्रोटीन. जो हमारे यहाँ पे SCDK है उसने क्या किया, ORC और CDC6 को यहाँ पे फॉस्फोलेट करके उनको यहाँ पे इनहिबिट यहाँ पे कर दिया. APC6 इनएक्टिवेशन इन द लेट जीवन ऑल्सो हेल्प टर्न ऑफ द प्री आरसी असेंबली. In the late mitosis and the early G1, the APCC trigger the destruction of the CDT1 inhibitor, Geminim, thereby allowing CDT1 to be active. अब देखो यहाँ पे ना एक और हमारी चीज आ रही है. हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे APCC है ये हमारा क्या करेगा, ये जब हमारे यहाँ पे late mitosis या फिर हमारे यहाँ पे जो early G1 stage थी, ठीक है, उसके अंदर ये क्या करता है, in the late mitosis and the early G1, ये हमारा क्या करेगा, trigger the destruction of the CDT1 inhibitor. यहाँ पे हमारा एक जेमिनिम है, जेमिनिन, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा CDT1 इनिबिटर यहाँ पे होता है, यानी कि ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे इनिबिट करेगा. ठीक है, और ये किसके थ्रू, देखो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जेमिनिम को. जेमिनिम को अगर ये डिस्ट्रॉय कर देगा तो यहाँ पे हमारा जो CDT होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CDT हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, और ये सब हम कब कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ पे APC है, और APC हमारा कब होगा, जब हमारे यहाँ पे लेट G1 स्टेज है. दोबारा देखते हैं, जब हमारे यहाँ पे लेट G1 स्टेज है उस टाइम पे क्या होता है, APCC हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो गया. ये जब हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ तो जो हमारे यहाँ पे जेमिनिम है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. जब ये डिस्ट्रॉय हमारे यहाँ पे होगा तो CDT हमारे यहाँ पे इनहिबिट होने की बजाय क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा. और जब हमारे यहाँ पे CDT एक्टिवेट होगा तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा ORC के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा और वहाँ पे हमारी क्या कर देगा, प्री आरसी की हमारी वहाँ पे फॉर्मेशन करवा देगा, यानी कि दोबारा से सेल साइकिल को उसको वहाँ पे स्टार्ट करवा देगा. ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे यहाँ पे जो APC है, जब हमारे यहाँ पे SCDK हमारे यहाँ पे चलेगा इन द लेट G1, जब हमारे यहाँ पे लेट G1 स्टेज होगी या फिर जब हमारे यहाँ पे S फेज हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, APC इज टर्न ऑफ. ये जो हमारे यहाँ पे APC है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ, यानी कि ये हमारे यहाँ पे बंद हो गया. ये जब बंद होगा विच कॉज द जेमिनिम एक्युमुलेशन. अब ये हमारा जब बंद हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ पे जेमिनिम है APC इसको पहले क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय यहाँ पे कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे APC नहीं होगा तो जेमिनिम हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्युमुलेट होगा. जब ये हमारे यहाँ पे एक्युमुलेट होगा तो जो हमारे यहाँ पे CDT1 है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनहिबिट यहाँ पे होगा. और जब ये हमारे यहाँ पे इनहिबिट होगा
तो ये हमारा इनिबिट होना ही था। तो ये जब हमारा पे इनिबिट हो गया था, उस टाइप पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हमारी माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर जो रेप्लिकेशन थी, सॉरी, वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, रेप्लिकेशन हमारी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और इसी वजह से क्या होगा, अब ये फिर से हमारा एक्टिवेट कब होगा, जब हमारे यहाँ पे जो एम फेज होगा, माइटोसिस हमारी यहाँ पे होगी, उस टाइम पे एक्टिवेट होगा। और तब ये क्या करेगा, सीडीडी को यहाँ पे फिर से इनिबिट करके, ठीक है, और वहाँ पे हमारा क्या, सॉरी, जेमिनिम को यहाँ पे इनिबिट करके यहाँ पे हमारा क्या कर देगा, सीडीडी को एक्टिवेट करके प्री आरसी की फॉर्मेशन करवा देगा। तो इसके थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो एपीसी है वो जेमिनिम के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, इसी चीज को कि हमारे यहाँ पे जो एक सेल साइकिल है उसके अंदर हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन एक ही बार होनी चाहिए, उसी को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो एपीसी है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे हेल्प करेगा एक सेल साइकिल के अंदर एक ही रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। ऑल दीज मैकेनिज्म प्रिवेंट द प्री आरसी फॉर्मेशन फ्रॉम द एस फेज टू माइटोसिस, देयर बाय इंश्योरिंग दैट ईच ओरिजन इज फायर्ड ओनली वंस पर साइकिल। एट द एंड ऑफ द माइटोसिस एपीसीसी एक्टिवेशन लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द सीडीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द जेमिनी। जब हमारे यहाँ पे लेट माइटोसिस होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, एपीसी हमारा फिर से एक्टिवेट होने से क्या करेगा, जेमिनिन को डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने से हमारे यहाँ पे जो सीडीसी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हमारा एक्टिवेट और प्री आरसी की फॉर्मेशन। ओआरसी एंड द सीडीसी 6 आर फॉर डीफॉस्फोरिलेटेड एंड सीडीटी 1 इज एक्टिवेटेड अलोविंग प्री आरसी असेंबली टू प्रिपेयर द सेल फॉर द नेक्स्ट एस फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर से हमारे यहाँ पे जो न्यू सेल साइकिल की, हमारे यहाँ पे फिर से न्यू सेल साइकिल के लिए फिर से हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे हमारे एक और चीज आती है कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे जब रेप्लिकेशन अगर यहाँ पे हो रही थी तो रेप्लिकेशन के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता था, जो हमारे यहाँ पे डीएनए है ना उसको कंप्लीट यहाँ पे अनवाइंड करना पड़ेगा, तभी तो उसकी वहाँ पे रेप्लिकेशन हो पाएगी। तो ये अनवाइंड जब हो रहा है और अनवाइंडिंग होने के बाद वापस से इसको क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे उसको वाइंडिंग यहाँ पे उनकी करवानी पड़ेगी, कॉइल स्ट्रक्चर उसकी लेके आनी पड़ेगी। तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सा प्रोटीन हमारे यहाँ पे काम आएगा, अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या है, आफ्टर द एस फेज एवरी रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हैज ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड ग्लूड टुगेदर अलोंग देयर लेंथ। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए है, क्रोमोसोम हो गया, आप तो ये सॉरी, ठीक है, तो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की हमारे यहाँ पे क्या हुई, इसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे हुई और इसकी यहाँ पे क्या हुआ, एक सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे बन गई, एक हमारी ये वाली क्रोमेटिड है और एक यहाँ पे ये क्रोमेटिड होगी, ठीक है। तो इन क्रोमेटिड जो हमारे यहाँ पे इस क्रोमोसोम्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ ही में यहाँ पे रखते हैं ना, एक दूसरे के पास पास रखेंगे, बिल्कुल इसके चिपका के यहाँ पे रखते हैं। और ये हमारे अलग कब होते थे, जब मैंने बताया था कि जब हमारे यहाँ पे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होगा, उस टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि एक हमारा ये वाला हो गया और एक ये वाला, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने जो सेक्यूरिन की हम जब बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो सब हमारा यहाँ पे जब एम फेज को हम स्टडी करेंगे तब उसकी बात है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारे ये जब इसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड है ना, उनको एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे ग्लू, यानी कि एक दूसरे के साथ यहाँ पे चिपका के रखना है, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से होता है, अगर हम यहाँ पे उसको यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं, दिस सिस्टर क्रोमेटिड कोहेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल माइटोसिस एज इट फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड टू अपोजिट पोल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल। देखो अगर ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे ग्लूड नहीं रहेंगे, अगर यहाँ पे इसके साथ चिपके नहीं रहेंगे, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जब यहाँ पे हमारा मेटाफेज आएगा तो उस टाइम पे होना तो क्या चाहिए था कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे हमारे बाइंड हो गए, तो एक सेल हमारा यहाँ पे जैसे कि ये वाला सेल है, तो एक ये वाला पोल हो गया, एक ये वाला पोल, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो होना तो यही चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे ये ऑलरेडी अगर सिस्टर क्रोमेटिड हमारे सेपरेट हो चुकी है, तो एक खाली यहाँ पे हमारा क्रोमेटिड बचेगा, अब ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा वो हमारे यहाँ पे एक बाई चांस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सब हमारा कहाँ पे हो रहा था, स्पेस के लिए, तो इसीलिए मैं आप इसको यहाँ पे स्टडी करके चल रही है। एनी डिफेक्ट इन द सिस्टर क्रोमेटिड कोहेशन लीड टू द मेजर एरर इन द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। कोहेशन ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड डिपेंड ऑन लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोहेशन कोहेसिन इज डिपोजिट एट मैनी डिफरेंट लोकेशन अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ ईच सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज। टू सबयूनिट ऑफ द कोहेसिन आर मेंबर ऑफ द एसएमसी प्रोटीन फैमिली स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम। कोहेसिन फॉर्म ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट सराउंड द टू सिस्टर क्रोमेटिड। देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इनको जो एक दूसरे के साथ हम रख रहे हैं ना, उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन होगा कोहेसिन, यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक कोहेसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये कोहेसिन है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक तरीके का एसएमसी है,
ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पे, SMC प्रोटीन फैमिली का है, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम। और ये हमारा क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होगा जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को यहाँ पे सराउंड करके रखेगा। सिस्टर क्रोमेटिड कोहेसन आल्सो कॉज द इंटरवाइनिंग ऑफ द सिस्टर डीएनए मॉड्यूल दैट अकर व्हेन द टू रेप्लिकेशन फोर्क मीट ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो SMC है ना, SMC हमारा किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हिंज हो गया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे यहाँ पे ये हमारा हो जाता है जो हमारे यहाँ पे SMC प्रोटीन है, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक तो यहाँ पे हमारे हो जाती है ये सी टर्मिनस, एक ये हमारे यहाँ पे हो गया एन टर्मिनस। ये हमारे यहाँ पे हो जाता है जैसे कि SMC3 प्रोटीन, एक सब यूनिट ये हो गई SMC की। और सेकेंड जो सब यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे इसके नीचे तरफ हो जाएगी, ये हमारा क्या क्या होगा, जो सेकेंड हमारे यहाँ पे जो सब यूनिट है ना उसकी हिंज, और ये भी इसी तरीके से हमारे यहाँ पे बाइंड होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, एक तरफ हमारे यहाँ पे एन और एक हमारे यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है ना नीचे वाली, ये हमारे कौन सी होगी, SMC1 प्रोटीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे एक तरफ से तो यहाँ पे बाइंड हो गए, लेकिन दूसरी तरफ से इनको यहाँ पे बाइंड करवाने के लिए हमारे यहाँ पे एक और प्रोटीन होगा SSCC, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा बाइंड हो गया, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इसको यहाँ पे बाइंड करके रखे हुए है, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है SCC1, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एक हमारे यहाँ पे और प्रोटीन होगा, ये वाला जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन है ये हमारा हो गया यहाँ पे SCC3। ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हमारे यहाँ पे जो कोहेसिन या फिर हम कह सकते हैं SMC मॉलिक्यूल। और जो हमारे ये बाइंड थे ना, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमेटिड हो गया ये सेकेंड वाला, तो जो हमारे यहाँ पे ये जो SMC है वो क्या करते हैं, एक रिंग लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो हमारे यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगी ना, इसके बीच में हमारे यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ चले जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से सराउंड यहाँ पे करके रखते हैं कि ये एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड कोहेसन ऑल्सो कॉज द इंटरवाइनिंग ऑफ द डीएन सिस्टर डीएनए मोलिक्यूल दैट अकर व्हेन द टू रेप्लिकेशन फोर्क मीट ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस। द एंजाइम टोपोइसोमेरेज ग्रेजुअली डिसटेंगल द कैटेनेटेड सिस्टर डीएनए बिटवीन द एस फेज एंड अर्ली माइटोसिस। यहाँ पे हमारा जो टोपोइसोमेरेज टू होगा उसका भी रोल होता है, जो कि क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल है, एक हमारा जो पेरेंटल था एक हमारे यहाँ पे जो डॉटर है, तो उनको वो क्या करेगा, उनको वहाँ पे सेपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ वहाँ पे इंटरवाइंड होते हैं ना, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, टोपोइसोमेरेज होगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द सिंक्रोनस लॉस ऑफ द सिस्टर कोहेसन एट द मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द डिसरप्शन ऑफ द कोहेसिन कॉम्प्लेक्स। और जब हमारे यहाँ पे मेटाफेज टू एनाफेज जब हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे SMC प्रोटीन है इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसको डिस्ट्रॉय करेंगे तभी तो ये एक दूसरे से हमारे यहाँ पे सेपरेट हो पाएंगे, अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये हमारे यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो ये सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इसकी सिंथेसिस तो हमने कहाँ पे पढ़ ली, जो हमारे यहाँ पे एस फेज है, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रक्शन हम कहाँ पे पढ़ेंगे, एम फेज के अंदर, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेक्चर होंगे उनके अंदर मिलकर यहाँ पे स्टडी करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज के लेक्चर में हमने पर्टिकुलर टारगेट किसको किया था, एस फेज को। एस फेज के अंदर हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर अगर हम मैक्सिमम जो यहाँ पे पोर्शन के लिए बात करें, तो वहाँ पे हमने क्या टारगेट किया, रेप्लिकेशन को, कि रेप्लिकेशन के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो सेल साइकिल है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करते हैं, कौन कौन से वहाँ पे हमारे प्रोटीन यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो एस फेज के रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे फिर भी और कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट को रख सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज़्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप यहाँ पे जो रेफरेंस बुक दी हुई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल बाय अल्बर्टिस, यहाँ पे हमने जो सेकंड बुक यहाँ पे यूज की है वो हमारे यहाँ पे है जी काप की, जो यहाँ पे बुक होती है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेरिमेंट। तो अगर आपको इस